हेलो एवरीवंस, आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक पाठशाला में। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको बताया अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, और उसी सिलेबस पे हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, वो आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और हमको कैसे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जो मेरा पढ़ाने का अप्रोच क्या होगा। हम बेसिकली काम करेंगे आपके साथ केवल कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा, वो पावर होता है हमारे नॉलेज का। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं नॉलेज ऑफ पावर। ठीक है, सॉरी, पावर ऑफ नॉलेज। ठीक है, पावर ऑफ नॉलेज होता है हमारा कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। मैं यह मानकर चलता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं आता है, आप जीरो हैं। ठीक है, तो उस बिहाव पे हम यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, ताकि आपका बेसिक्स इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस मिले, आप उसे इजीली सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, टाइम को अपने बिना गवाए। ठीक है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है फ्रेंड्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक टॉपिक ही नहीं, ये हमारा मैथमेटिक्स का सबसे पुराना ब्रांच है। क्या है? सबसे पुराना ब्रांच हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, मतलब ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है ट्रिग्नोमेट्री हमारा? क्या है? एक ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक है, हमारे गणित का एक सबसे पुराना शाखा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति होता है। तो ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है मैथमेटिक्स का। ठीक है, और हमारा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो बना है, ड्राइव किया गया है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। क्या क्या वर्ड्स हैं? फर्स्ट हमारा वर्ड है ट्रिगोनोन। ठीक है, एंड सेकेंड वर्ड आपका क्या है? मैट्रॉन। ठीक है, मैट्रॉन। ठीक है, ये दोनों वर्ड जो है ना, वो ग्रीक वर्ड है आपके, दोनों वर्ड आपके ग्रीक हैं। ट्रिगोनोन का मतलब होता है फ्रेंड्स ट्राइंगल, इट मीन्स त्रिभुज, ट्राइंगल। ठीक है, एंड मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट्स, ओके। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्राइंगल, मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, ओके। तो यहां से जो डिफिनेशन निकल कर आता है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या करता है? क्या करता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है। इसका मतलब ही होता है एंगल को मेजर करता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाते हैं, आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स दो वर्ड से मिलकर कंप्राइजेस हैं। कौन कौन से वर्ड? ट्रायंगल्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, ट्रायंगल को आप त्रिभुज कहते हैं, मेजरमेंट को आप मापना कहते हो। ठीक है, माप सकते हो किसी चीज़ को। मेजरमेंट ऑफ एंगल, किसी एंगल को मापना ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन रहा। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स अपने कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किस के बारे में फ्रेंड्स? हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। ठीक है, हमारा जो पहला टॉपिक है क्या है ट्रिग्नोमेट्री में? रिलेशन बिटवीन साइड और एंगल्स। ठीक है, हमारा
पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स, पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या था, पहला चैप्टर हमारा क्या था, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स, ठीक है। अब उसमें हम सबसे पहले किस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ओके, रेशियोस के बारे में हम बात करेंगे, जिसे आप हिंदी में कहते हो क्या, त्रिकोणमितीय, ठीक है। यहाँ पे हमारा गलती हो गया था मात्रे में, ठीक है, त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या कहते हो आप हिंदी में, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं आप इसको हिंदी में, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात बेसिकली फ्रेंड्स आपके तीन होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं आपके तीन होते हैं, कौन कौन से तीन होते हैं मेन, ठीक है। आप देखेंगे तो छह मिलेगा, ठीक है। जो बाकी के तीन होते हैं वो जो मेन होते हैं उनके रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, उनके रेसिप्रोकल होते हैं। पहला रेशियो हमारा होता है साइन, ठीक है, सेकंड आपका कोसाइन, ठीक है, एंड थर्ड आपका टेंजेंट, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में आप साइन कहते हो, इसको कॉस कहते हो और इसको टैन कहते हो, ओके। अब जो इनका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, देखिए यहाँ पे मैं रिलेशन भी बताते चल रहा हूँ आपके साथ, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है शेक, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, ठीक है, ये आपका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमें बात करना था रिलेशन बिटवीन साइड और एंगल के बीच में। अब हमें रिलेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, साइड और एंगल के बीच में रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लिखते हैं टॉपिक को, रिलेशन बिटवीन क्या, साइन साइड एंड एंगल्स। जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक डेफिनेशन देखा, ये एंगल का मेजरमेंट करता है, ठीक है, और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का वर्ड हमारा कंप्राइज हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ट्रायंगल और मेजरमेंट, ठीक है, ट्रायंगल और मेजरमेंट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले एक राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है, यह आपका 90 डिग्री, और यह आप थीटा मान लो या अल्फा मान लो या जो भी मान लो आपके ऊपर, ठीक है। ये जो होता है इसको आप लिख लो ए, इसको लिख लो बी और इसको लिख लो सी, ठीक है। जो ए बी वाला लाइन है, ठीक है, जो ए बी लाइन है वो आपका क्या है, जो आपका ए बी लाइन है, ठीक है, जो आपका ए बी लाइन है वो आपका क्या है, वो आपका बेस है, ठीक है। अब एक और तरीका बताता हूँ फ्रेंड्स, आप बेस कैसे जानोगे, ये जो थीटा है, ठीक है, अगर थीटा जिस एंगल पे बना रहेगा, ठीक है, थीटा एंगल जहाँ बना रहेगा और इस जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वैल्यूज, उसके रिस्पेक्ट में
जिस मतलब ये हॉरिजॉन्टली बना हुआ है ए बी लाइन पर, थीटा एंगल और हाइपोटेनियस से मिलकर बना रहा है एंगल, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा वाला जहाँ से एंगल बनेगा वही हमारा बेस होगा, वही हमारा बेस होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस, ठीक है। मतलब हिंदी में आप कहते हो कर्ण, ये आपका आधार, एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ आप लोगों को। और ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, जिसे आप कहते हो लंब। कभी कभी बेस की जगह पर आपका लिखा हुआ मिलेगा एडजेसेंट साइड और परपेंडिकुलर की जगह पर लिखा हुआ मिलेगा ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो मतलब आपका वही होता है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे साइड और एंगल के बीच में, ठीक है। साइड और एंगल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आप सीधे लिखिएगा साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर ट्राइंगल के बीच में रिलेशन आप फाइंड आउट करें थीटा और साइड में, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनियस, मतलब पी अपॉन एच, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा की हम बात करेंगे, कॉस थीटा आपका क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी अपॉन एच, ठीक है, बी अपॉन एच। और टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, मतलब लंब बटे आधार, ठीक है। आप इसको क्या, साइन थीटा को क्या कहोगे, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है लंब बटे आधार, ठीक है। ये आपका रिलेशन हो गया साइड और एंगल के बीच में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड कुछ फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, और हाँ फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो मैं भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठे और सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चले, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, जीरो लेवल से आपको शुरुआत कर रहा हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो सके उस चीज़ का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल्स टू होता है क्या, होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कैसे होता है, सपोज साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, राइट एंगल से एच हो गया, बी हो गया और पी हो गया, ये आपका थीटा हो गया, ये ए बी एंड सी, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, ठीक है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ठीक है, ओके। एच एच कैंसिल आउट, बचता क्या है, पी अपॉन बी, प्रूफ हो गया।
ठीक है, ये आपका टेन थीटा हो गया। इसी प्रकार कॉट थीटा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा होगा, क्यों होगा, इसका रेसिप्रोकल है टेन थीटा का कॉट थीटा, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे था, ताकि ये फॉर्मूला इजी होता है, आपको जानना चाहिए ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल त्रिकोणमेट्रिकल रिलेशन के बारे में। सर्दी हो गया, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एक नया टॉपिक, एक अच्छा टॉपिक है आपका फंडामेंटल फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिकल्स, ओके। त्रिकोणमितीय पहचान का मूल रूप, त्रिकोणमितीय का मूल रूप, ठीक है, आप भी इसको कह सकते हो आइडेंटिकल्स। अब आइडेंटिकल्स का मतलब फ्रेंड्स आप ले सकते हो जिसका एडिशन करने पे, जिसका वैल्यू वन आए, आइडेंटिकल से ही आपको पता चल जाना चाहिए जिसका वैल्यू वन आए, ठीक है। तो कौन कौन से हैं आइडेंटिकल, फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला काफ़ी आप देखते आ रहे हो, हाई स्कूल में भी देखा होगा, नाइन्थ क्लास में भी देखा होगा, और आप अगर इलेवेंथ ट्वेल्थ पढ़कर आए हो तो वहाँ पर भी आपने ये फॉर्मूला देखा ही होगा। क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, एक हो गया। सेकेंड आपका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। एंड थर्ड है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, ओके। तो ये तीनों आपके फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिकल कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। त्रिकोणमितीय का मूल रूप है, ठीक है, त्रिकोणमिति का मूल रूप ये कहलाते हैं, ठीक है। यहीं से क्या होता है, फॉर्मूले का ओरिजिनेशन होता है। अब ये वन कैसे आया, मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ कैसे आया। जैसे कि आपको ये आपको फिगर याद है, राइट एंगल वाला, ये एच है, ये बी है, और ये आपका पी है, और ए बी सी, ठीक है। मैं इसको दिखा भी दे रहा हूँ कि कैसे वन आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, वन कैसे आ रहा है, अब ये देखना जरूरी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बेस अपॉन एच, ठीक है, मैं यहाँ पे एरो करके लिख रहा हूँ, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ओके, प्लस, ठीक है, बी बाई एच का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ये भी हो गया, ठीक है। ठीक है, ये कैसा फॉर्मूला बनेगा आपका,
सेकेंडरी आपका बनता है, इस तरफ भी आप लिख सकते हो इसको, क्या सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा को आप लिखोगे, किसका ऑपोजिट है, कॉस का है, तो एच वाई बी का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, बी वाई पी बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। अभी मैं बता रहा हूँ कि वन कैसे आ रहा है, ठीक है, ये एक मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला इस तरह भी आप बना सकते हो, खुद एक ड्राइव कर सकते हो, इस तरह भी आपका एक फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है, कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है इस तरह का, बेसिकली वैसे मैं आपके एग्जामिनेशन में तो नहीं देखा गया, लेकिन अगर कभी पूछ दे तो आप कर सको, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो एच बाई पी का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो बी बाई पी का होल स्क्वायर, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो फ्रेंड्स, इस ट्राइंगल पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करते हो, तब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपका एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यह आपका पाइथागोरस थ्योरम से निकल करता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, गोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हो तो आपका एच स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बनकर आता है पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से, ठीक है। अब देख लो फ्रेंड्स, आपका बी स्क्वायर और पी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका एलसीएम जो है, ठीक है, एलसीएम आपका इक्वल आ रहा है, एच है इसका भी एच है, ठीक है, और ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका बनता क्या है, अगर आप इसको बनाओगे फॉर्मूले में तो आपका ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एच स्क्वायर लिख सकते हो, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैंसिल आउट होकर वन हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई कर दोगे आप, ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनता चला जाएगा और यहाँ पे आप अप्लाई करते हुए चलेंगे तो आपका वन आ जाएगा, ठीक है, ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि आप इसे आपसे ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं, आप अगर ड्राइव कर रहे हो इसको तो वन आ रहा है कि नहीं, आप एक बार चेक कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, सब बना बनाया चीज़ है, आपको बस एलसीएम लेना है, वहाँ पे बैलेंस पुट करना है और देखना है कि वन आ रहा है कि नहीं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ है, आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे, ठीक है, क्या नेक्स्ट टॉपिक्स है, सबसे पहले हम जानेंगे कि कुछ एंगल्स को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कुछ एंगल्स होते हैं उन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फंक्शन हम रेशियो जान गए, फंक्शन जान गए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जान गए, ठीक है, रेशियो क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, फंक्शन भी वही होते हैं। अब उनके एंगल अगर मान लीजिए साइन जीरो दिया हो, साइन 30 दिया हो, साइन 45 दिया हो, साइन 60 दिया हो, साइन 90 दिया हो, तो उनके वैल्यूज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट वो वैल्यूज़ होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं अभी एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ और उस टेबल को आप देखिए और उसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। (Clears throat)
अब हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ नोन एंगल्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ नोन एंगल्स, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं जिनका वैल्यू बना बनाया आपको मिल जाता है टेबल के अंदर, ठीक है, उसे आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि आपको उस टेबल को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप उस फॉर्मेट को देखिए मैं किस तरह से उसको बता रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में वो पूरी तरह से फिट हो जाए। पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रेंड्स, एक टेबल बना लेते हैं, ये रहा आपका टेबल, ठीक है, ठीक है, ये आपका थीटा लिखिए और रेशियो लिखिए, ठीक है, थीटा आपका इधर जाएगा, रेशियो आपका इधर आएगा। पहले आपका आता है 0 डिग्री, 0 से 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री एंड 45 के बाद 60, 60 के बाद 90 डिग्री, ठीक है। ये होते हैं आपके क्या होते हैं थीटा के वैल्यूज, जिनका स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, वो चीज़ें हमको जानना है, ठीक है। ओके, अब यहां पे हम लिख ले रहे हैं साइन, साइन कॉस एंड टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन, केवल तीन पर ही हम काम चलाएंगे। अभी हम चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कॉट का भी लिख सकते हैं, सेक का भी लिख सकते हैं, कॉसेक का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम तीन पर देखते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज यहाँ पर आएंगे ना, ठीक है, जो भी वैल्यूज आएंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का, और जैसे कि आपको पता है कि टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो उसी को जो वैल्यूज होगा उसी का रेसिप्रोकल करके हम लिख देंगे, तो वो आपका उन सब का भी वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे तीन चीज़ों को देखेंगे, साइन कॉस और टेन का, ठीक है। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, सबसे सिंपल तरीका, पहले हम अंडर रूट लिख देंगे, ठीक है, और सब में बट्टा चार, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपका 4 कर देंगे रूट में, ठीक है, ओके। अब शुरुआत करेंगे, पहला कॉलम को हम 0 लिखेंगे, दूसरे कॉलम को 1 लिखेंगे, तीसरे कॉलम को 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे और इसको 4 लिखेंगे, ओके। ये जो वैल्यूज यहां से निकल कर आएंगे वो पहले मतलब साइन वाले कॉलम में केवल पुट होंगे, क्या होंगे, साइन वाले कॉलम में ही केवल पुट होंगे, ओके। तो अंडर रूट 0/4 इसका वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है, और 1/4 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो यहाँ पर आ जाता है 1/2, और यही 1/2 यहाँ पर साइन वाले कॉलम में साइन वाले रो में पुट हो जाएंगे 30 डिग्री के कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे आपको निकल कर आता है 1/√2, और इसी 1/√2 को 45 वाले कॉलम में और साइन के रो में पुट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। एक मिनट सही से मिटा दूँ, 1/√2, ओके। अब जब इसको आप करते हो तो ये √3/2 आ जाएगा, और इसी को हम पुट कर देंगे 60 डिग्री के कॉलम में और साइन वाले रो में, ठीक है,
और ये आपका 4 जो 4 और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 हो जाएगा, और ये ही आपका 90 डिग्रीज के कॉलम में और साइन वाले रो में पुट कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात करें, चलो भैया साइन की तो बात हो गई, इस वाले वैल्यूज को हम पुट करेंगे साइन में। कॉस के कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस का कुछ नहीं करना होगा, जो 90 के साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, जो साइन 60 की वैल्यूज है अंडर रूट 3/2 वो कॉस 30 की वैल्यूज हो जाएंगी, अंडर रूट 3/2। ठीक है, जो साइन 45 का होगा वही कॉस 45 का हो जाएगा, 1/√2। ओके, जो 30 डिग्रीज का वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यूज है, वही कॉस 60 का वैल्यूज होगा, 1/2। जो साइन 0 की वैल्यूज है वही कॉस 90 की वैल्यूज हो जाएगी, यानी कि कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, टेन की बात करेंगे। ठीक है, टेन की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, टेन की अगर हम बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे? टेन थीटा बराबर हमने पढ़ा अभी क्या, साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो 1/0 0, ठीक है, 1/√2 1/2 अपॉन √3/2। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कहीं आप करके देख लीजिए, 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल आउट, तो बचता है क्या, 1/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसका निकालते हैं तो √3/2 अपॉन 1/2 कैंसिल आउट करते हैं तो केवल √3 बचता है, तो 10 का √3 हो जाएगा। 0 का किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में 0 से अगर डिवाइड करते हो तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि इनफाइनाइट हो जाता है। तो अनडिफाइंड या इनफाइनाइट के सिंबल में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एक सिंपल तरीका था जो कि हमें बताना था आपके लिए, ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत बच्चे रटते हैं इस चीज़ को, रटने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सारा चीज़ बना बनाया हम दे रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से दे रहे हैं ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, अब हम बात करें, एक थोड़ा सा और टॉपिक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह, साइन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, लास्ट है इस सेशन का आखिरी टॉपिक, और नेक्स्ट जो भी टॉपिक बचेंगे उसको नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। बहुत छोटा सा है, केवल यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू मैं समझा दूंगा, उसके बाद से इसका डिटेल में हम देखेंगे रेशियोस। ओके, ये आपका 0 डिग्री और 360 डिग्री लिखोगे, आपके ये 90 डिग्रीज, ये 180 डिग्रीज। ओके, ये आपका 270 डिग्रीज। ठीक है, इसे आप कहोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट,
ठीक है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा 90 माइनस, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस थीटा और ये आपका 180 माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि आप अगर इस तरह जाते हो तो इसके बीच में जो एंगल है 90 से छोटा है और 360 से बड़ा है, ठीक है, और जीरो से भी बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ओके, और आप इसको लिखोगे 270 प्लस थीटा और यहाँ पे लिखोगे आप 360 माइनस थीटा, ओके, यहाँ पे ये हो गया। इस वाले क्वाड्रेंट में जो भी रेशियो रहेंगे सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, सारे के सारे पॉजिटिव रेशियो रहेंगे, ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव रेशियो रहेंगे। इस वाले में केवल साइन और कॉसेक, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो भी रेशियोस रहेंगे वो निगेटिव रहेंगे, ठीक है। थर्ड में आ जाते हैं टैन और कॉट, केवल पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे निगेटिव रहेंगे। इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे निगेटिव रहेंगे, ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो उसका जो वैल्यूज चेंज होगा, इंटरचेंज होंगे, साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे आपको कि उनका इंटरचेंज कैसे होता है और क्या क्या वैल्यूज होता है। अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। फिलहाल इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग, उम्मीद है कि आपको ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, मैं उन डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।